व्हाट डू यू मीन बाय द सर्किट ब्रेकर? सर, सर्किट सर्किट ब्रेकर ब्रेकर किसी चीज व्हाट? में या वोल्टेज को आती रोकने में लगाया जाता है, सर्किट यस, ब्रेकर दोज ऐसे। एपरेटस बी यूज फॉर द सर्किट को ब्रेक, सर्किट को ब्रेक करने के लिए दो जो एपरेटस अपने यूज में कर लिए जाते हैं वही सारे एपरेटस क्या कहलाते हैं आपके पास? सर्किट ब्रेकर कहते हैं। उन्हीं एपरेटस को अपन क्या बोल देते हैं? सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे उन सर्किट ब्रेकर के बारे में अपन ने पढ़ा था, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर कौन कौन से थे अपन ने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। यस, ABCB सर्किट ब्रेकर सर, और ABCB, और बाकी के सूरज गणेश, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर थे अपन ने? टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर पर कौन कौन से पढ़े थे? व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट ब्रेकर पता चल गया, और टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर कौन बताएगा? दुष्यंत आया है क्या? टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर अपने पास में कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर थे? चार टाइप के सर्किट ब्रेकर थे। कौन कौन से थे? ABCB। ABCB के फुल फॉर्म कौन बताएगा? फुल फॉर्म ऑफ ABCB सूरज, क्या यस सर। होता है ABCB के फुल सर, फॉर्म? एयर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है नो, एयर सर। ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। यस सर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर लिखा हुआ है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो SF6 सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म क्या है? SF6 सर्किट ब्रेकर। हाँ, SF6 सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म क्या है? SF6 सर्किट ब्रेकर की फुल फॉर्म सल्फर हेक्जा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। सल्फर हेक्जा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, ABCB की एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये सारे सर्किट ब्रेकर अपन को डिस्कस करने हैं, जिसमें से अपन ने कल डिस्कस किया था कौन सा वाला? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते थे एयर ब्लास्ट ABCB, जिसको बोल देते अपन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ABCB। अब उसमें होता क्या था, वर्किंग प्रिंसिपल कौन बताएगा? किसी को कोई थोड़ा सा आइडिया? एनी आइडिया? जो मैंने कल बताया था कोई अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा? एनी? ऋतिक, सूरज, गणेश, देखिए इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जो चीज आपको बताई जाती है, जो चीज आपको पढ़ाई जाती है, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं चार बार पूछिए, बट उसके बारे में कुछ न कुछ तो आइडिया रहना चाहिए ना। जैसे मैंने कल मैंने अच्छे तरीके से बताया था आप लोगों को, और फिर भी आप लोगों को कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पढ़ने में नहीं ध्यान दे रहे हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, तो उसके फुल फॉर्म पता चल गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसको अपन शॉर्ट में भी ABCB बोल देते हैं। और इसमें क्या है, अपने पास में दो कॉन्टेक्ट होते थे। कौन कौन से कॉन्टेक्ट होते थे? दो कॉन्टेक्ट होते थे। कौन कौन से कॉन्टेक्ट होते थे? फिक्स्ड सर, एक मूविंग और एक फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। गुड, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। कॉन्टेक्ट होता था, एक कौन सा होता था? फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। दो कॉन्टेक्ट होते थे, वो दोनों ही कॉन्टेक्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि जब अपने पास फॉल्ट नहीं आता है, उस कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट कैसे रहते हैं? क्लोज पोजिशन में रहते हैं। दोनों ही कॉन्टेक्ट कैसे रहते हैं? क्लोज पोजिशन में। और अंडर द फॉल्ट कंडीशन, जब अपने पास में फॉल्ट आ जाता है, तो फॉल्ट कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं? दूर हटने लग जाते हैं। क्यों दूर हटने लग जाते हैं? क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आते आने के साथ में जो वॉल्व लगा रहता है, जिसमें एयर रिजर्वर टैंक रहता है, उसमें क्या लगा रहता था? वॉल्व लगा रहता था। और वो वाला वॉल्व क्या करता था आपके पास में, कि जैसे ही वॉल्व को सिग्नल मिलेगा, तो सिग्नल मिलते ही वो क्या करेगा? वॉल्व ओपन हो जाएगा, और वहां से क्या होगा? हाई प्रेशर एयर फ्लो होने लग जाएगी। वहां से क्या होगा? हाई प्रेशर एयर फ्लो होने लग जाएगी,
और उस एयर के प्रेशर से ही जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। वो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और मूव करने के साथ साथ ही वो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या जनरेट होगी, जैसे जो दोनों कॉन्टेक्ट आपस में दूर जाएंगे तो वहां पर एक क्या जनरेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्क जनरेट होगी। वहां पर क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट होगी, और उसी स्पार्किंग को क्या बोल दिया जाता है, आर्क बोल दिया जाता है। और उस आर्क को बजाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हाई प्रेशर एयर। और उस जब मान लो वो आर्क बज जाती है तो वो दोनों का कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, और कॉन्टेक्ट ब्रेक होने के साथ में ही अपना जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट हो जाता है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में तो ये क्या होते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्लोज पोजिशन रहते हैं, और अंडर फॉल्ट कंडीशन में ये दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और उस कंडीशन में क्यों ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर एयर एयर अपन फ्लो कराते हैं, और हाई प्रेशर एयर फ्लो कराने के साथ साथ में ये क्या हो जाता है, ये दोनों वो जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। और मूव करने के साथ में क्या हो जाते हैं, दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो गैप आ जाता है, और उस गैप में आपकी आर्क जनरेट हो जाती है, और उसी आर्क को बजाने के लिए अपन क्या है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो अपन यूज करते हैं। और उससे क्या है, आर्क जैसे बज जाती है तो दोनों के कॉन्टेक्ट के बीच में गैप आ गया, और गैप आने से वो क्या हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है, और सर्किट ब्रेक होने से आपका क्या हो जाता है, सर्किट ओपन हो गया, और जो फॉल्टी पार्ट है वो फॉल्टी पार्ट तो हट गया, और जो अनफॉल्टी पार्ट था वो उसमें से कंटिन्यूअसली सप्लाई फ्लो होती रहती है, उसमें से क्या होता है रहता है, कंटिन्यूअसली सप्लाई फ्लो होती रहती है। तो इस तरीके से आपको क्या काम करता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर काम करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज फॉर कंप्रेस्ड एयर, इसमें अपन कौन सी यूज करते थे, कंप्रेस्ड एयर यूज करते थे, ठीक है। अब इसमें मेरे को ये बताइए, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या थे, टाइप्स ऑफ एबीसीबी सॉरी टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कौन कौन से थे, तीन चार तीन जो भी पीछे दिखा रहे थे, हाँ कौन से थे उनके नाम बताइए, नाम देखिए मैं बताता हूँ। टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के आपके पास थ्री टाइप के थे, गुड। थ्री टाइप में कौन कौन से थे अपने पास में, वो डिपेंड कर रहे थे आपके एयर फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जिसकी एयर मतलब अपने पास में क्या है, क्रॉस में फ्लो हो रही थी, जैसे मान लो ये दोनों कॉन्टेक्ट ये लगे हैं और अपनी जो एयर फ्लो हो रही है वो क्रॉस में फ्लो हो रही है, तो उसको बोल दिया जाता क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उसको अपन बोल दिया जाता है एयर क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जिसमें रेडियली फ्लो हो रही है, जिसमें कैसे मान लो रेडियली मतलब ऐसे जाके फिर टर्न ले, मतलब आपके पास में पहले क्रॉस गई, क्रॉस जाने के बाद में फिर क्या होगा, रेडियली जो दोनों कॉन्टेक्ट के सापेक्ष फ्लो हो रही है, दोनों कॉन्टेक्ट के रेस्पेक्ट में फ्लो हो रही है, तो उस वाले को बोल दिया जाता है क्या, रेडियली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और एक्सेसिव जैसे मान लो जो दोनों कॉन्टेक्ट ये लगे हुए हैं इस तरीके से लगे हुए हैं, और इनके रेस्पेक्ट में आपकी एयर फ्लो होती है, इनके रेस्पेक्ट में आपकी एयर फ्लो हो रही है, तो उस वाले उसको बोल दिया जाता है सर्किट ब्रेकर को क्या, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से अपने पास तीन टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, कौन कौन से, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एंड क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से अपने पास में कितने टाइप के होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीन टाइप के होते हैं, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एंड रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए ये आपका क्या है, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें देखिए जो जो एयर का जो ब्लास्ट है जो फ्लो होने की डायरेक्शन देख रहे हो आप, कि ऐसे जाने के बाद फिर कैसे हो गया, रेडियल हो गया, रेडियल ब्लास्ट आपके पास में रेडियल एयर फ्लो कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब क्रॉस जैसे एयर ब्लास्ट आ जाएगा तो इसमें क्या होगा कि आपके कॉन्टेक्ट किस तरीके से लगे हैं, इस तरीके से लगे हैं कॉन्टेक्ट, और उनके बीच और उनके क्रॉस में जस्ट परपेंडिकुलर आपके क्या होंगे, एयर ब्लास्ट फ्लो होंगे, तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सॉरी क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे ये कौन सा ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, इनको बोल दिया जाता है एक्सेल। तो एक्सेल में देख रहे होंगे आपका जो दोनों कॉन्टेक्ट है
वो कॉन्टैक्ट कैसे लगे हुए हैं, इस तरीके से इस पोजीशन में लगे हुए हैं, और इन्हीं के रेस्पेक्ट में क्या है एक्सियल पोजीशन में जो क्या है आपके जो एयर है वो फ्लो हो रही है। जो देख रहे होंगे आपकी जो इस तरीके से जो जो डायरेक्शन जो एरो है वो डिनोट कर रहे हैं किसको, एयर को डिनोट कर रहे हैं, वो किसको डिनोट कर रहे हैं एयर को। तो इन दोनों ही जो कॉन्टैक्टों के रेस्पेक्ट में जिस तरीके से आपके एयर ब्लास्ट फ्लो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनके क्या रख दिए जाते हैं, नाम रख दिए जाते हैं, जिसमें क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट, क्रॉस एयर ब्लास्ट फ्लो होते हैं उनको क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल दिया जाता है, और जिसमें एक्सियल एयर ब्लास्ट फ्लो होते हैं उनको एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल दिया जाता है, और जिसमें रेडियल फ्लो एयर फ्लो होती है उसको बोल दिया जाता है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और इस तरीके से सभी में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है आपके पास फिक्स कॉन्टैक्ट और एक कौन सा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। और जो फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है वो क्या रहता है फिक्स पोजिशन रहता है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है वो क्या कर देता है मूव कर देता है। और जब मान लो और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो बाय यूजिंग द स्प्रिंग और पिस्टन की हेल्प से ये दोनों किस में रहते हैं क्लोज पोजिशन में रहते हैं। जैसे ही अंडर नॉर्मल कंडीशन है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कैसे रहते हैं फिक्स पोजिशन में रहते हैं, और अंडर फॉल्टी कंडीशन में, अंडर फॉल्ट जब आ जाता है तो फॉल्टी कंडीशन में ये दोनों ही कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से हर सर्किट ब्रेकर में अपने पास हम दो पोजिशन बनते हैं, एक होती है आपके पास फॉल्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन और एक होती है अंडर फॉल्ट कंडीशन। तो फॉल्ट कंडीशन में आपके दोनों कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाते हैं, और नॉर्मल कंडीशन दोनों कॉन्टैक्ट क्या रहते हैं ओपन, दोनों कंडीशन दोनों कॉन्टैक्ट कैसे रहते हैं क्लोज रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं दोनों जो फॉल्ट आता है तो फॉल्ट कंडीशन जैसे ही आती है तो वो क्या हो जाता है जो फॉल्टी पार्ट होता है वो क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, और जो अनहेल्दी पार्ट है मतलब जिसमें अपने पास में क्या है फॉल्ट नहीं आता है उस वाले में से कंटिन्यूसली सप्लाई फ्लो होती रहती है, उसमें से क्या होता है कंटिन्यूसली सप्लाई फ्लो होती रहती है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अपने पास में टाइप्स हो गया, वर्किंग हो गई। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप कल मेरे को लिख के सबमिट कराओगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन, इसको मेरे को क्या करोगे कल सबमिट कराओगे। देखिए ये होता है आपके पास में एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मेनली आपके पास में जो ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है जो इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, तो ये अलग अलग आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं पूछ सकता हूँ द वर्किंग ऑफ द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पूछ सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पूछ सकता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर हो गया, टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, और इसके बाद है आपके पास में क्या है कि और बाकी के अपने पास में क्या है एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आप खुद से पढ़िएगा, वो आपके लिए मैं होमवर्क है। ठीक है, तो देखिए इसमें पार्ट्स में कितने कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एयर रिजर्वर टैंक। एयर रिजर्वर टैंक का मतलब क्या है, मतलब है अपने इसमें क्या है क्या करते हैं इसमें एयर रिजर्वर टैंक। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस वो टैंक जिसमें अपन एयर को रिजर्व करके रखते हैं वो वाला टैंक क्या कहलाएगा आपके पास है एयर रिजर्वर टैंक। क्यों रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब फॉल्ट आ जाए, जब तो अपन किस कोई चीज रिजर्व करके रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोल दिया जाता है क्या एयर रिजर्वर टैंक, जो कि इसमें क्या है अपने पास में जो एयर होती है वो एयर क्या होती है रिजर्व में रहती है, रिजर्व में मतलब अपने पास में क्या है और स्टॉक में रहती है, तो उसको बोल दिया जाता है एयर रिजर्वर टैंक। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास वाल, एयर वाल ओपन बाय द ट्रिपिंग इंपल्स। जैसे ही ट्रिप के बाद में मतलब जैसे ही वो जैसे ही रिले ट्रिप होगी, ट्रिप होने के बाद इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है सिग्नल, सिग्नल आएगा वाल्व को तो वाल्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, ओपन होने से वहां पर क्या हो जाएगा जो एयर रिजर्वर टैंक है वहां से एयर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, एयर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा एयर वाल्व ओपन बाय द ट्रिपिंग इंपल्स। ये दूसरा क्या होगा कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट लिखते जाना, कंपोनेंट क्या क्या है अपने पास, सबसे पहले एयर रिजर्वर टैंक, दूसरे नंबर पर आता है वाल्व, तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा आपको आर्किंग चैम्बर,
वो चैम्बर जिसमें आर्क जनरेट होती है उस वाले चैम्बर को क्या बोल दिया जाता है, आर्किंग चैम्बर बोल दिया जाता है। आर्किंग चैम्बर कनेक्टेड विद द एयर रिजर्वर टैंक, जो आर्किंग चैम्बर है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, एयर रिजर्वर टैंक के साथ में कनेक्टेड रहता है, किसके साथ में, एयर रिजर्वर टैंक के साथ में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट हो गया आर्किंग चैम्बर, चौथा पार्ट क्या है आपके पास में, चौथा पार्ट आपके आके आ गया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में आपके पास में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है आपके पास है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट मूव नहीं मूव करता है और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट क्या रहता है, फिक्स पोजिशन में रहता है। इसके बाद तीसरा क्या हो जाता है आपके पास में, पिस्टन। तीसरा क्या आ जाता है आपके पास में, पिस्टन, ठीक है पिस्टन। और चौथा क्या आ जाता है आपके पास में, सीरीज आइसोलेटर, सीरीज आइसोलेटर। और इसके बाद क्या आ जाता है, नॉर्मल क्लियरेंस ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं किसमें, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में तो बताएं, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को एनी कंफ्यूजन कि सर ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, तो बता दो, और नहीं तो फिर अपना आगे बढ़ते। किसी कोई एनी प्रॉब्लम, बताइए नहीं है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, सच ब्रेकर एंड द आर्क ब्लास्ट इज डायरेक्टली एट द राइट एंगल टू द आर्क। इसमें क्या है आपके पास में, जो जो एयर ब्लास्ट लगे हुए रहते हैं वो कैसे रखते हैं, राइट एंगल मतलब आपके पास में किस तरीके से, जो 90 डिग्री का और कॉन्टेक्ट के बीच में कितने डिग्री का, इस तरीके से आपका क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। मतलब ऐसे तो एयर ब्लास्ट आ रहे हैं और ऐसे क्या लगे रहते हैं अपने पास में, कॉन्टेक्ट, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जिनको बोल दिया जाता है, अब देखिए यहां से आ जाता है आपके पास में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, और इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले मेरे को कोई बताएगा कि इसको एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर अपन क्यों बोल रहे हैं, एसेप्टिक क्योंकि इसमें जो अपन आर्क क्वेंच किया जाएगा, आर्क को बुझाया जाएगा बाय यूजिंग द एसेप्टिक गैस, एसेप्टिक गैस के द्वारा इसमें आर्क को बुझाया जाएगा, आर्क को क्वेंच किया जाएगा, आर्क को इंटरप्ट किया जाएगा By using the SF6 gas, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है SF6 gas, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है SF6 gas circuit breaker, sulfur hexafluoride circuit breaker। First of all तो इसका मतलब समझ में आया कि इसको SF6 circuit breaker क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो arc quench होगी, arc को बुझाया जाएगा by using the SF6 gas, SF6 gas के द्वारा arc को बुझाया जाएगा, इसलिए अपन के इसको क्या बोल दिया जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। सर आर को क्या किया जाता है सर, आवाज नहीं आया क्लियर। आर को बुझाया जाता है, मतलब आर को क्वेंच किया जाता है, आर को बुझाया जाता है, बुझाने का मतलब होता है जैसे ही अपने कॉन्टेक्ट जो मूव करते हैं, मूव करने के साथ में क्या हो जाता है वहां पर आर्क जनरेट होती है, और उस आर्क को SF6 गैस के द्वारा क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। सर्किट ब्रेकर देखना आप ध्यान से, सर्किट ब्रेकर इन विच द SF6 अंडर प्रेशर गैस इज यूज्ड फॉर द एक्सटिंक्शन द आर्क इज कॉल्ड द SF6 सर्किट ब्रेकर। मींस जो आर्क जनरेट हो रही है उस आर्क को क्या किया जा रहा है, बुझाया जा रहा है बाय यूजिंग द SF6 गैस के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर बोल दिया जाता है, ठीक है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस हैज बीन द एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक आर्क क्वेंचिंग एंड केमिकल एंड अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैव प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी ओवर द
over other arc quenching medium such as the oil and earth, oil and air. मतलब ऑयल और एयर से भी ये सुपीरियर है, अच्छा है वायु किसके लिए, फॉर आर्क क्वेंचिंग के लिए. जो आर्क क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का मतलब होता है आर्क को बुझाने के लिए, जो जो आर्क क्वेंचिंग है इसका मतलब ये होता है आपके पास में कि आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एसएफएक्स सर्किट, एसएफएक्स गैस यूज करते हैं. और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सुपीरियर है. सुपीरियर का मतलब होता है अच्छी है बाय कंपैरिजन टू ऑयल और एयर. ऑयल और एयर से ही क्या है, ये सुपीरियर है. ठीक है. द एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर इज मेनली डिवाइडेड इनटू द थ्री टाइप. जो एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर है मेनली थ्री टाइप से डिवाइडेड कर दिया जाता है. ठीक है. द सर्किट ब्रेकर विच यूज्ड एयर एंड ऑयल एज ए इंसुलेटिंग मीडियम. द आर्क एज एक्सटेंसिव पोस्ट बिल्ड अप relatively slow after the movement of the contact separation. In the case of high voltage circuit breaker, circuit breaker quick arc extension property are used which the require the less time of quick recovery voltage builds. Up SFX circuit breaker have good property in this the regard of the compare to the oil or air circuit breaker. जो आपके ऑयल और एयर सर्किट ब्रेकर है उनके कंपैरिजन में जो एसएफएक्स गैस है वो क्या है आपके पास है, हाई मतलब सुपीरियर है. और जो क्या है आपके पास है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या है, अच्छी है. तो और जो मूवमेंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट के जो मूवमेंट होते हैं वहां पर जैसे आर्क जनरेट होती है तो वो क्या है, जल्दी से जल्दी ये क्या है, एक्शन में आती है. जल्दी से जल्दी क्या आती है, एक्शन में आती है. मतलब जल्दी से जल्दी ये क्या कहती है, ऑपरेट होती है. तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपीरियर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल दिया जाता है. ज्यादातर आपके पास में एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर ही यूज किए जाते हैं. ठीक है. एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर गुड प्रॉपर्टी होती है इसमें के अंदर, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है. प्रॉपर्टी ऑफ एसएफएक्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर. सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर की क्या क्या प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी का मतलब होता है अच्छाइयां. प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अच्छाइयां. तो क्या क्या इसके अंदर अच्छाई है, ठीक है, क्या क्या इनके अंदर, इसके अंदर क्वालिटी है. तो देखिए सबसे पहले सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रोसेस वेरी गुड इंसुलेटिंग एंड आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी. सबसे पहले क्या है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर है और आर्क क्वेंचिंग जो प्रॉपर्टी है वो सबसे अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड है. ठीक है. दीज प्रॉपर्टी आर इट इज कलरलेस ऑडरलेस एंड नॉन टैक्सिक एंड नॉन इन्फ्लामेबल गैस. मतलब एक तो ये क्या है आपके पास में, कलरलेस है, इसमें के अंदर कोई भी कलर नहीं है. दूसरी है ऑडरलेस, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लामेंट, मतलब जलने के लायक नहीं है, इसमें आग लगने का चांस कम रहता है. तो ये सारी इसके अंदर प्रॉपर्टी है. एसएफएक्स गैस इज एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इनर्ट एंड इट्स डेंसिटी इज 5 times ऑफ द एयर. जो इसकी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या होती है, 5 times ऑफ एयर होती है. जो एयर की जो डेंसिटी होती है, अगर एयर की डेंसिटी मान लो 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी डेंसिटी 5 हो जाएगी. तो जो इसकी जो डेंसिटी है वो 5 times ऑफ एयर होती है. जो SFX सर्किट ब्रेकर है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, 5 times होती है कंपैरिजन टू एयर. इट हैज द हाई थर्मल कंडक्टिविटी. इसके अंदर क्या हो जाती है, थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है आपके पास, हाई होती है. बेटर देन द एयर एंड असिस्ट इन द बेटर कूलिंग करंट कैरी पार्ट. SFX गैस इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रो नेगेटिव विच मीन्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव from the discharge by the formation of negative ion. It has unique property of the fast recombination after the source or energizing spark is removed. जो आपके पास में जो energize जो remove जो आपके पास में जो arc generate होती है, जो arc energized होती है उसको जो क्या करता है, fast recombination करके remove कर देता है.
फास्टेस्ट को रिकॉम्बिनेशन करके क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इट इज द 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव कंपेरिजन टू द आर्क क्वेंचिंग मीडियम। जो अदर जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होते हैं वो क्या है, बहुत ही कम होते हैं, और इनका जो क्या है बहुत ही मोर इफेक्टिव है, 100 टाइम्स है। ये क्या होता है, इट इज द 100 टाइम्स ऑफ मोर इफेक्टिव एज कंपेरिजन टू द आर्क क्वेंचिंग मीडियम। अदर जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम है उनके कंपेरिजन में ये क्या है आपके पास, बहुत ही हाई इफिशियंट है, 100 टाइम्स है, बहुत ही हाई है। इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द 2.5 टाइम्स देन दैट द एयर। जो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके कंपेरिजन में उसकी ये कितनी है, 2.5 टाइम्स। एंड 30% लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑयल, डाइलेक्ट्रिक ऑयल, ऑयल ऑयल से है वो क्या है, इसके डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 30% लेस है। एंड एट ए हाई प्रेशर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ गैस इंक्रीज, जैसे अपन इसका जो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो उससे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मॉइस्चर इज वेरी हार्मफुल और टू द एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर, और एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर है उसके लिए मॉइस्चर क्या है, बहुत ही जो क्या है, हार्मफुल है। ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एसेप्टिक गैस हाइड्रोजन फ्लोराइड, इट इज फॉर्म व्हेन द आर्क इज इंटरप्टेड विच कैन बी अटैक द पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो क्या है आपके पास के लिए, वो क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। और वो क्या है आपके जो कॉन्टेक्ट लगे रहते हैं, जो पार्ट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के, उसके ऊपर क्या करती है, जस्ट डायरेक्टली अटैक करती है, मतलब उनको हार्मफुल रहती है। तो इसीलिए अपने पास में क्या है, जो एसेप्टिक गैस ज़्यादातर अपन किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अदर डायलैक्ट्रिक कंपेयर डायलैक्ट्रिक मीडियम की कंपेरिजन में बहुत ही सुपीरियर है। और ये क्या है अपने पास में, इसका जो जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर और ऑयल के कंपेरिजन में क्या है, हाई है। और जिसकी जो जो वर्किंग है वो वर्किंग भी क्या है, अदर डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ के डायलैक्ट्रिक मीडियम के कंपेरिजन में इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है, हाई है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर, एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से अपन क्या है एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, तो वो क्या क्या अपने पास में क्या है, उसमें क्या क्या चीज लगी रहती है। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपने को कि एसएफएक्स गैस यूज कर रहे हैं, तो एसएफएक्स गैस गैस को कोई क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उसको स्टोर करने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, एक टैंक होगा। तो एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, नेमली इंटरप्टर यूनिट एंड गैस सिस्टम। दो मेनली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक होता है आपके पास इंटरप्टर यूनिट एंड एक होता है आपके पास गैस सिस्टम। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटरप्टर यूनिट, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द मूविंग एंड फिक्स कॉन्टैक्ट। जो इंटरप्टर यूनिट होती है वो दो कॉन्टैक्ट से बनी रहती है, एक होता है आपके पास मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है आपके पास फिक्स कॉन्टैक्ट। कंपेराइजिंग अ सेट ऑफ द करेंट कैरिंग पार्ट एंड आर्किंग प्रूव इट इज द कनेक्टेड टू द एसएफएक्स सर्किट एसएफएक्स गैस रिजर्वर। जो आपके पास आर्किंग चैम्बर होता है जिसमें आपके पास में कॉन्टैक्ट दोनों लगे रहते हैं, वो चैम्बर किससे डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहता है आपके पास में, एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक से। जो एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक है उससे आपका क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। दिस यूनिट कंसिस्ट स्लाइड वेंट इन द मूविंग कॉन्टैक्ट विच परमिट द हाई प्रेशर गैस इन टू द मेन टैंक। और ये क्या है, जो मेन टैंक होता है, मेन टैंक से क्या है, जस्ट कनेक्टेड रहता है बाई यूजिंग द वाल्व, वाल्व के साथ में ये क्या रहता है, जो कनेक्टेड रहता है, जो कि हाई प्रेशर गैस को इनलेट कराता है। जो आपका वाल्व लगा रहता है वो क्या करता है, हाई प्रेशर जो गैस होती है एसएफ गैस होती है उसको क्या कर देता है, इनलेट कराने के काम में आता है। देखिए इस तरीके से आपकी ये क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, एयर वो एसएफ
गैस सर्किट ब्रेकर की, और इसको बोला जाता है इंटरप्टर यूनिट ऑफ द एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर, इंटरप्टर यूनिट ऑफ एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर। इसमें आपको दिख रहा होगा दो कॉन्टैक्ट है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट है, एक है आपके पास में मूविंग कॉन्टैक्ट और एक होता है आपके पास में फिक्स कॉन्टैक्ट। देखिए ये वाला क्या आपके पास है फिक्स कॉन्टैक्ट, और जस्ट ऊपर वाला कौन सा है आपके पास में मूविंग कॉन्टैक्ट, मीन्स ये क्या करेगा मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंसुलेटिंग रॉड फॉर द मूविंग ऑपरेटेड मेंबर, ये क्या है आपके पास इंसुलेटिंग रॉड है जिसको अपन क्या है ऑपरेट करने के काम में लिया जाता है, ऑपरेट करने के काम में। और जो आपके पास मूव करता है इस वाले चैम्बर को बोल दिया जाता है क्या मूविंग चैम्बर या मूविंग मेंबर, ठीक। और यहाँ पर जो जनरेट हो रही है जब दोनों कॉन्टैक्ट आपस में सेपरेट होंगे, दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मूव करेंगे, जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करेगा, तो वहां पर एक जनरेट, वहां पर क्या जनरेट होता है आर्क जनरेट होता है, और यहाँ से क्या होता है एसएफएक्स गैस इनलेट होती है, यहाँ से क्या होता है आपके पास एसएफएक्स गैस इनलेट होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एसएफएक्स गैस इनलेट, मतलब आपके पास एसएफएक्स जैसे ही आर्क जनरेट होगी, आर्क जनरेट होने के साथ में वहां पर क्या हो जाएगी एसएफएक्स गैस जस्ट क्या हो जाएगी इनलेट कर देगी, इनलेट करने से जो वहां पर जो आर्क जनरेट होगी वो आर्क को कौन बजा देगा आपके एसएफएक्स गैस, एसएफएक्स गैस क्या करेगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ में रिकॉम्बिनेशन करेगा, रिकम्बाइन करेगा, और कम्बाइन करने के बाद में उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो क्या कर देगा आपस में एक दूसरे को जो आर्क है उसको क्या कर देगा बुझा देगा, ठीक है। और यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास आर्किंग हॉर्न, जैसे आर्क जनरेट होगी तो ये क्या हो जाएगा एक सायरन होता है, और वो हॉर्न होता है वो क्या हॉर्न आपका बज जाएगा, वो हॉर्न क्या हो जाएगा आपका बज जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है ये आर्किंग हॉर्न काम करता है, और ये इसमें क्या होते हैं आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर और वर्किंग ऑफ एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर, ओके ठीक। तो मेनली समझ में आया तो इसमें क्या है दो पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, एक होगा मूविंग कॉन्टैक्ट एक होगा फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट जस्ट मूव करेगा, फिक्स कॉन्टैक्ट क्या रहेगा फिक्स रहेगा, और जैसे ही आर्क जनरेट होगी तो आर्क जनरेट होने के साथ में वहां पर क्या हो जाएगा एसएफएक्स गैस इनलेट होने लग जाएगी, कहाँ से जो एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक है उसमें से, और वो एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक किससे कनेक्टेड रहता है आर्किंग चैम्बर से, और वो आर्किंग चैम्बर आपका किससे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, आर्किंग चैम्बर आपका कनेक्टेड रहता है, और वो आर्किंग चैम्बर किससे कनेक्टेड रहता है वाल्व से, और वाल्व के थ्रू एयर वो एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक से, एसएफएक्स गैस रिजर्वर टैंक से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरीके से आपको क्या है जैसे ही आपके पास में वो आर्क जनरेट होगा जैसे ही फॉल्ट आएगा अन हेल्दी पॉलिटिशन नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या रहेंगे फिक्स पोजिशन में रहेंगे, और जब जैसे ही फॉल्ट आएगा उस फॉल्टी कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या करने लग जाएंगे जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उस पर हाई प्रेशर पड़ेगा, और हाई प्रेशर गैस आने से जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा, और मूव करने से ही जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर के बीच में दोनों के बीच में क्या हो जाएगा आर्क प्रोड्यूस होगी, और उस आर्क को बुझा दिया जाता है तो दोनों कॉन्टैक्टों के बीच में क्या हो जाता है सेपरेट गैप हो जाता है, और सेपरेशन आ जाता है, और सेपरेशन आने से ही उसमें क्या हो जाता है दोनों कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने से जो सर्किट है जो सर्किट क्लोज था वो क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, वो सर्किट ओपन हो गया, ओपन होने से आपका क्या हो जाएगा जो फॉल्टी पार्ट है वो फॉल्टी पार्ट हट जाता है, और फॉल्टी पार्ट हटने से अपना क्या हो जाता है जो अपने पास जो एपरेटस लगे रहते हैं वो एपरेटस क्या हो जाते हैं सेफ बच जाते हैं प्रोटेक्शन हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं आपके पास है सेपरेट प्रोटेक्शन हो जाता है। देखिए दूसरा क्या था अपने एक तो अपन ने बताया था कि इनलेट इंटरप्टेड सिस्टम जिसको बोला जाता है, और दूसरा था अपने पास गैस सिस्टम, गैस सिस्टम मतलब एक गैस रिजर्वर टैंक, द क्लोज सर्किट गैस सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर, द एसएफएक्स गैस इज कॉस्टली सो इट इज द रिक्लेम्ड आफ्टर द ईच ऑपरेशन। अब इसको ये क्या है एसएफएक्स गैस सर्किट ब्रेकर बहुत ही क्या है कॉस्टली है, तो इसको जैसे ही एक बार यूज कर लिया था इसको अपन में क्या किया जाता है रिसाइकल किया जाता है, मतलब इसको अपन द्वारा यूज में लिया जाता है, तो उसके लिए जैसे एक बार ऑपरेशन और एक बार ऑपरेट हो गई एक बार ऑपरेट होने के बाद में फिर द्वारा से अपने इस वाली गैस को यूज में लिया जाता है। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर चैम्बर,
ये क्या है, आपके पास में दो चैम्बर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर चैम्बर, एक होता है आपके पास लो प्रेशर चैम्बर। जैसे ही आपकी गैस जो ऑपरेट हो गई, ऑपरेट होने के बाद में उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रेशर कम हो गया, गैस का प्रेशर कम हुआ, और गैस का प्रेशर कम होने के बाद में उसको किस में रिजर्व कर लिया जाता है, लो प्रेशर गैस रिजर्व टैंक में, उसको अपन स्टोर कर लिया जाता है किस में, लो प्रेशर गैस रिजर्व टैंक में उसको अपन ने स्टोर कर दिया जाता है। फिर उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, फिर अपन उसको किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, हाई प्रेशर गैस रिजर्वर टैंक में। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ द लो एंड हाई प्रेशर चैम्बर विद अ लो प्रेशर अलार्म अलोंग विद द वार्मिंग स्विच। व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लो ड्यू टू विच द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द गैस इज डिक्रीज एंड द आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर एनराइज्ड, देन दिस सिस्टम गिव्स अ वार्मिंग अलार्म। जब इसके बाद में क्या है, जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के साथ में ये क्या है, इसकी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, और कम होने से क्या हो जाता है आपके पास में इसको, तो उसके लिए एक अलार्म लगाया जाता है, और वो अलार्म क्या कर देता है, आपको बता दिया जाता है कि इसका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। और प्रेशर कम होने से इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो सर्किट आर्क को क्वेंच करने की जो एबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसका क्या किया जाता है, फिर अगेन प्रेशर बढ़ाया जाता है, उसका अगेन क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास में क्या, वर्किंग ऑफ एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर। वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो देखिए हमेशा हर एक सर्किट ब्रेकर में दो कंडीशन आती है। कौन कौन सी कंडीशन आती है, एक आती है आपके पास अंडर नॉर्मल कंडीशन, एक आती है अंडर फॉल्ट कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में आपके दोनों कॉन्टैक्ट फिक्स रहते हैं, और फॉल्ट कंडीशन में आपके दोनों कॉन्टैक्ट क्या रहते हैं, वो सॉरी दोनों नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टैक्ट क्या रहते हैं, फिक्स मतलब कॉन्टैक्ट बेस में रहते हैं, मतलब क्लोज पोजिशन में रहते हैं। और फॉल्ट कंडीशन दोनों कॉन्टैक्ट क्या कर ले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। दोनों कॉन्टैक्ट कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो जो वर्किंग ऑफ द एसएफई सर्किट ब्रेकर है, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं समझ में आया, कंस्ट्रक्शन पढ़िया, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज अपने पास में बनी रहती है एसएफई सर्किट ब्रेकर की, और एसएफएक्स गैस में जिसमें अपने पास में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर चैम्बर, वो सॉरी जो गैस सिस्टम होता है, गैस सिस्टम में भी आपके पास में दो तरीके के चैम्बर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर गैस रिजर्वर टैंक, एक होता है आपके पास लो प्रेशर गैस रिजर्वर टैंक। जब अपने पास में जो गैस ऑपरेट हो जाती है, गैस अपने पास में यूज हो जाती है, तो यूज होने के बाद में उसको अपन किस में रिजर्व करते हैं, लो प्रेशर गैस रिजर्वर टैंक, और उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। और प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ में क्या हो जाता है, उसका हाई प्रेशर कर दिया जाता है, और हाई प्रेशर करने से आपका क्या हो जाता है, उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है हाई प्रेशर गैस रिजर्वर टैंक में। ठीक, तो वर्किंग ऑफ एसएफई सर्किट ब्रेकर वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो बताएं। और हेलो सर, बोलिए सर। आपने जो बताया है एबीसी सर्किट ब्रेकर तीन प्रकार के होते हैं, एक्सल रेडियल और क्रॉस जो बताए हैं उसमें कंडीशन बताए हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है एयर फ्लो के, एयर फ्लो पर डिपेंड करता है। जब आपकी एयर कॉन्टेक्टों के क्रॉस में फ्लो हो रही है, तब वो उसको बोला जाता है क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। हाँ, उसका बताया मतलब दो होते हैं कंडीशन, वो कौन कौन होते हैं सर, एक बार रिवीज कर दीजिए। कंडीशन तो दो, जैसे वालों जो उसमें टाइप्स में तो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक होता है आपके पास में क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक होता है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक्सियल रेडियल एंड क्रॉस, ठीक है। जब आपके पास में दोनों कॉन्टेक्टों के बीच में मतलब क्रॉस में एयर ब्लास्ट फ्लो होते हैं, तब उसको बोला जाता है क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। जब दोनों कॉन्टेक्ट आपके पास एक्सेज के रेस्पेक्ट में है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपके पास एयर फ्लो होती है, तब उसको बोला जाता है क्या, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके सर। और जब रेडियल मतलब आपके पास इस तरीके से कॉन्टैक्ट लगे हुए रहते हैं, तो और जो एयर जो इस तरीके से क्रॉस हो जाने के बाद फिर उसके कैसे हो जाती है, जो कॉन्टैक्ट के रेस्पेक्ट में हो जाती है, तो उसको बोला जाता है क्या, रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो वो डिपेंड करता है आपके पास एयर फ्लो पर।
जो एयर फ्लो जिस तरीके से फ्लो करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके क्या रख दिए जाते हैं, नाम रख दिए जाते हैं। क्रॉस में फ्लो रहा है तो क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एक्सएल में फ्लो रहा है तो एक्सएल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और रेडियल में फ्लो रहा है तो उसको बोल दिया जाता है रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके सर, इस तरीके से आपके कितने होते हैं, तीन टाइप के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा था एसएफसी सर्किट ब्रेकर। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई क्वेरी हो तो बताएं। नहीं है तो चलो आप क्लास को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन वर्किंग ऑफ द एसएफसी सर्किट ब्रेकर। एसएफसी सर्किट ब्रेकर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके ठीक सर, है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं।